बनाने जा रही हूँ उड़ीसा का एक ऑथेंटिक रेसिपी संतुला। ये पूरा ही विदाउट अनियन गार्लिक का मैंने बनाया है। ये एक ही वेरिएशन है इसका, और भी बहुत सारे वेरिएशन है इस रेसिपी के। आज मैं जो बनाने वाली हूँ ये चना दाल और अंकुरित मूंग के साथ सारे सब्जी को मिला के होगा। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपने घर पे बनाएंगे, और हमें सजेशंस और कमेंट्स देना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो इसे बनाने के लिए पहले मैं गैस को ऑन करूँगी और कढ़ाई रख के पानी डालूँगी। पहले ये मैं डाल रही हूँ एक ग्लास पानी, और हमें और आधा ग्लास चाहिए, और इसे हम अभी फूटने देंगे। हाई फ्लेम पे इसको फूटने दे। अभी आप देख सकते हैं पानी फूट गया है अच्छे से। इसमें अब जाएगा ये 60 ग्राम यानी 60 ग्राम चना दाल, इसको मैंने आधा घंटा सोक करके रखा था, इसमें जाएगा। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स को डालूंगी। ये मैंने लिया है एक कप कच्चा पपीता। अब इसमें जाएगा एक कप ये बरबट्टी, यानी कि इसको उड़िया में हम जुड़ोंगो बोलते हैं। ये गुच्छे में आता है तो पर्पल और ग्रीन कलर का ही आता है एक साथ। अब इसमें जाएगा ये पम्पकिन यानी कि कद्दू एक कप। अब इसमें जाएगा एक कप परवल। अब इसमें जाएगा एक कप याम यानी कि देसी आलू, इसको हम उड़िया में माटी आलू बोलते हैं, और एक कप कच्चा केला। और जिस भी कप में आप मेजर कर रहे होते हो तो हर वेजिस को सेम कप में ही मेजर करना। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी 2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें जाएगा चीनी 2 टीस्पून शक्कर, और इसको मैं थोड़ा ऐसे फैला दूंगी, और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा फूटने दें। अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट ये फूटने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी अंकुरित मूंग 50 ग्राम और इसे कर दूंगी मिक्स। अगर आपके पास अंकुरित मूंग नहीं है तो आप रात भर भी मूंग को भिगाकर इसमें डाल सकते हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम पे, इसको ढक के जब तक कि सब्जी अच्छे से ना पके तब तक इसको पकाना है, करीबन 8 से 10 मिनट तक। फिर हम इसको टेम्पर करेंगे। तो इसको चलिए बैठने देते हैं 8 से 10 मिनट। 10 मिनट से ये पक रहा है धीमे आंच पे। अब मैं वेजिस को चेक करूंगी हुआ है या नहीं, और थोड़ा होगा और 2 मिनट के लिए इसको फिर से पकाना। अब तो 2 मिनट हो चुका है और सारे ही वेजिस अच्छे से कुक हो गए हैं इवनली। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको छोंक देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी हम छोंक देंगे। इसके लिए मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 टीस्पून तेल, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें जाएगा ये सूखी लाल मिर्च एक, और इसको थोड़ा फूटने दें। अब इसमें जाएगा ये 5 फ़ोरन। ये 5 फ़ोरन हमारे यहाँ बहुत यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर 5 साबुत चीज़ें इसमें पड़ते हैं मसाले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दे दूँगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो बना हुआ है वेजिटेबल का। अब फ्लेम को करेंगे हाई, इसे मिक्स करेंगे, अब इसे थोड़ा फूटने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस बीच में डालूंगी ये भुना हुआ जीरे का पाउडर, इसमें ड्राई चिली भी है, सूखी मिर्च, ये मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा फूटने के लिए 2 से 3 मिनट ऐसे ही रख दें। 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से बन भी चुका है। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे वेजीज एक साथ हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको हम सर्व करेंगे। ये गरम गरम रोटी और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं सर्व। मैं आशा करती हूँ कि ये हेल्दी सा रेसिपी आपको आज पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।